अस्सलामुअलैकुम। सही लग रहा हूँ तो अच्छी बात है। कैमरे के ऊपर आके बड़ा अच्छा लगता है और चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिलती है। बेसिकली आज कुछ चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दी कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर सेल्फ। तो अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि रिगार्डिंग के आपने अब तक कि 21 मार्च से लेके अब तक कुछ क्या चीज़ें की, ठीक है, और किस तरह से आपने अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर गए, ठीक है, और थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एडजस्टमेंट हो के कैमरा सही आए, लोगों को नज़र भी आए कि क्या चल रहा है। हम ड्रेसिंग के ऊपर ना जाइएगा क्योंकि वैसे हम लोग आजकल ज़रा घर पे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन से एटलीस्ट ये है कि घर की कनेक्टिविटी बढ़ रही है और घर में रहते हुए बहुत सी चीज़ों को सीखने का भी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट के लिहाज से। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी फैमिली के हवाले से आप उसको किस तरह से बेहतर अपना रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें और इसको मैं हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है जी, स्टे ट्यून रहिएगा। तो आजकल माशाल्लाह से तो रिसेंटली मेरे सेकंड डॉटर पैदा हुई है ऑन 18 मार्च, सो आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह से। और मीनवाइल थोड़ा सा म्यूज़िक इंस्टॉल म्यूज़िक आपको दे दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा नाम हसीब अशरफ है और मैं इंस्पायर 360 के पेज से लाइव हूँ। आज तारीख है 3 अप्रैल एंड रात के 9:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। कुछ चीज़ें अलग कह लें कि इस वक्त वबा फैली हुई है और कोरोना वायरस के हवाले से लोग कहते हैं कि आप स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि हाथ धोएं, मुंह पे हाथ ना लगाएं, आंखों में आइज ना रब करें, नाक में हाथ ना लगाएं, ये आपके सेफ्टी पर्पस के लिए बोला जा रहा है। और सेफ्टी, आप सेहतमंद रहेंगे, पाकिस्तान सेहतमंद रहेगा, आपकी फैमिली सेहतमंद रहेगी और माँ बाप की, आपकी ख़ुद की अल्लाह ताला से दुआएं और आपके साथ दुआएं रहेंगी और अल्लाह ताला मज़ीद इस वबा से जितना जल्दी हम निकल सकते हैं निकलें। और डेफिनेटली ये क्राइसिस आया हुआ है पूरी दुनिया में और डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू रिकवर, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि हम इस चीज़ से हिम्मत ना हारें और इन चीज़ों को फेस करें और आगे निकल सकें। और ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है और जब तक आप हयात हैं इस दुनिया में, जब तक आपकी आप इस दुनिया से जाते नहीं। कैमरा फेसिंग एक आर्ट होता है, ये कहते हैं कि टोटली कॉन्फिडेंटली एक बात करनी होती है।
तो हम एक बात करते हैं, तो ये जो फेस एक्सप्रेशंस हैं ये आपके बड़े रोल प्ले कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जब आप फेस एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं और अब स्पेशली आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़रूर नज़र आ रही होती है। तो जब आप बॉडी लैंग्वेज कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं अपनी, और देख रहे होते हैं कि यार मैं कैसे एक्शन कर रहा होता हूँ, तो डेफिनेटली यू रियलाइज योर सेल्फ कि हाँ यार मैं ये एक्शन के बजाय मैं ये एक्शन दूँ, मैं यूँ करने के बजाय मैं ये कर सकूँ। तो जब इस अंदाज से जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं वाया वॉचिंग योर वीडियो, ठीक है, और आप एहसास करते हैं यार इस तरह से मैं अपनी डेवलपमेंट कर सकता हूँ, तो आप पहला पॉइंट आ रहा है कि आप अपने साथ कनेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड ये मैं वीडियो की हुई भी हैं, लाइव टेलीविज़न शोज़ पे भी जा चुका हूँ मैं, एंड इन बैक ऑफ माय यूथ एरा। अब माशाल्लाह से अबव 30 हूँ, पेरेंट्स ऑफ टू डॉटर एंड फादर ऑफ टू डॉटर हूँ, और अच्छा लगता है कि दो रहमतें आपके पास आई हुई हैं, अल्लाह ताला ने नवाजा है, और शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है नवाजी। एंड इस पहले जो मैं इस सेशन में आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हाउ टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ है। मैं हार्डली 10 से 15 मिनट से ज़्यादा लूँगा नहीं, कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द सेशन को कंप्लीट किया जाए। मैं कुछ महदूद कुछ बात करूँगा जिसके अंदर पहली चीज़ है कि इन 14 डेज से, 20 मार्च से या 15 मार्च से या 18 मार्च से लेके अब तक आपने क्या अपने अंदर डेवलपमेंट की है, किस टाइप की आपने लर्निंग की है, किस टाइप की आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और किस अंदाज से आपने उन इम्प्रूवमेंट्स में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, और जिस इफेक्ट से लोगों को नज़र आना शुरू। ये तमाम चीज़ें बड़ी रिफ़्लेक्ट करती हैं और ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ कि लास्ट 14 डेज़ में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे एज ए वर्ड एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया हुआ है, और मैं एज ए कहने के घर बैठे उनके क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, एंड विच इज़ इन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, एंड इन 14 डेज़ में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इन 14 डेज़ के अंदर मैंने अप टिल नाउ के फैमिली को देखना शुरू किया, कि फैमिली की अपनी वाइफ के साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट की कि अच्छा यार ये लेवल हो रहा है। मैं जब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे घर से बाहर रहता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, ठीक है, ऑफिस से आया तो डेफिनेटली आई विल बी टायर्ड, ठीक है, फिर मैंने अपनी फैमिली का, अपनी औलाद को देखना है, अपनी बेटी को देखना है, कोई चीज़ चाहिए कोई चीज़ नहीं भी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपने लुक आफ्टर की। देन इन रियलिटी में जब आप घर पे पूरा दिन बैठना शुरू करते हैं, एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर सेल्फ के आप अपने अंदर किस तरह से बिहेवियर रख रहे हैं, वो रात के आप 6 बजे घर पहुँचे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं 6 बजे घर पहुँचूँ, 6:15 बजे, 6:15 से लेकर रात सोने तक सिर्फ 6 घंटे, 12 बजे तक एक टेंटेटिवली मैं टाइम कर रहा हूँ, 6 घंटे में आप कितना से टाइम मैनेज कर रहे हैं, मीन्स कि आप फैमिली को भी क्या टाइम दे रहे हैं, और वीकेंड्स पे महदूद हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये 14 दिन मेरे लिए बड़ा बेनिफिट्स है हुआ, और इनसे ये चीज़ सीखने को मिली कि हाँ यार ये मेरी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है विथ माई डॉटर, विथ माई वाइफ ऑल्सो, विथ माई पेरेंट्स ऑल्सो। इंसान, मेरे मानना यह है कि इंसान खुद करना चाहे तो बहुत सी तब्दीली ला सकता है, और वो अपने ज़ात से अपने ज़ात पे चेंज लाएगा तो इंसान चेंज कर पाए। खुद से कह के यार किसी का आपने एम्बोस किया, किसी ने कहा भाई आप कर लो, एडवाइसेस आपको बहुत कुछ मिलेंगी, करने वाला आप खुद हो। जब तक आप अपने आप से कनेक्टिविटी, अपने आप से फेथ नहीं रखोगे, हाउ यू बिलीव करोगे, अपने अंदर रिकनेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, अपने अंदर बिलीफ कैसे पैदा करोगे। एक मिसाल है सेंटर बेंटा की मैं देता रहा हूँ मैं, कि इंसान का दरक हमेशा ब्रॉडर होना चाहिए रादर देन इस शेप में हो।
इस शेप में होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ टूट जाएगी, जल्दी गिरेगा। अगर तूफान आ रहा है, एक रैला आ रहा है माउंटेन पे उधर, ठीक है, तो फ्लड आया, फ्लड के हुआ कि ये दरख्त और ये दरख्त, ठीक है, दोनों का जो स्टैम्प है इतनी स्ट्रांग है दोनों की, और वो दोनों खड़े हुए, लेकिन ये वाला दरख्त बहुत जल्दी गिर गया, ठीक है, और ये वाला दरख्त जब तूफान निकल गया तो ये खड़ा का खड़ा रहा, क्योंकि अपनी परवाज, अपना, उसने देखा यार मैं लोगों को फैलाऊं, लोगों को दूं, लोगों को जितना दे सकता हूँ अपनी ज़ात से दूँ, मतलब दरख्त मीन के छोइन देता है वो छोइन देगा, आपको हवा देगा वो हवा देगा, आपको फल देता है वो फल देगा, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ट्री इट्स अपॉन अस, हम उससे कितना फ़ायदा लेते हैं, उस फ़ायदे से दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा देते हैं, विदाउट हैविंग अ ग्रीडीनेस, विदाउट हैविंग एनी इश्यूज, और ईगो को मार के आप लोगों को हेल्प के साथ से करते हैं, ये आपको अंदर से रिकनेक्ट करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जिक्र करता है, ठीक है, एक जिक्र होता है ज़बान के थ्रू, एक जिक्र होता है सांस के बल, ठीक है, और दोनों जिक्र अल्लाह को कबूल होता है, दोनों का स्टैंडर्ड जिक्र करने का डिफरेंट है, लेकिन इंसान जब जिक्र करना शुरू करता है तो अल्लाह ताला से एक कनेक्शन एक क्रिएट होता है, उस कनेक्शन पे इंसान अपनी पर बात अल्लाह ताला से तो मतवज्जो करता है कि भाई या अल्लाह ये मेरी चीज़ है, इसको बेहतर कर दे यार, मुझे बख्श दे, मेरे अंदर बेहतरी ले आ। इंसान के अंदर एक काली मल मली होती है, उसको हटाना, वो हम अपने आप से रابطہ करते हैं, रिकनेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। जब आप इंसान अपने आप से रिकनेक्ट होता है तो अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये आपकी मैल उतरना शुरू हो गई है, अब आप इसको साफ रोज़ाना करो, घर का माहौल, घर की चीज़ें, घर की सफाई सुथराई आप रोज़ाना करते हो, डस्टिंग वगैरह करते हो, तो डेफिनेटली यह साफ़ सुथरा नज़र आता है। अगर गंद बवाल नज़र आएगा तो डेफिनेट कहेंगे यार ये बहुत गंदा है, यार ये चीज़ बहुत गंदी है। यही चीज़ जब आप साफ़ सुथरा करते हो तो आप कहते हो यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, यार ये मज़ा आ गया मुझे, एंड यू स्टार्ट फीलिंग के हाँ यार मैं इस तरह से करता रहूँ, तो यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। आप अपने अंदर, मैं कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी पर्सनल लाइफ की स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करें। स्वॉट एनालिसिस को आपको पता लगेगा कि क्या हम ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी लेकर आ रहे हैं, हम क्या आगे 10 साल या 15 साल के बाद क्या देखना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि यार मुझे नौकरी मिल गई है या मैं फ्रीलांस बन गया हूँ, मैं फ्रीलांस ट्रेनर बन गया हूँ, या कोई चीज़ पैशनेट बन गया हूँ, ठीक है, बातचीत है कि आप किस लेवल पे हो, आप अपने अंदर किस तरह से डेवलपमेंट करके 10 साल बढ़ा के लोगों को किस तरह से आप दे सकते हैं। थैंक यू रेहान, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक, ही इज़ माई क्लास फेलो इन द यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग ऑन माई पेज। अगेन चीज़ है कि हम अपने आप से कितना से रिकनेक्ट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अभी आपकी 14 डेज गवर्नमेंट और फेडरल ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कंटिन्यू किए, अगर किया तो सही किया हो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, जितना लोगों को आप राशन दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, खामोशी से ही करें, दिखावे में ना करें। अगर आप दिखावा करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यही चीज़ें आप कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, आप खामोशी से काम करें, खामोशी आपकी कामयाबी का राज है। आप मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन आदत और अखलाक, आपकी कमिटमेंट और आपका लहजा, ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं इंसान की तबीयत के अंदर होनी चाहिए, और यही चीज़ें आपको इंसान आगे लेके चलते, आपकी कामयाबी यही नज़र आती है आप। और कोई आपके मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
मैं आई वॉज वेटिंग के मैं सेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने अपने आप से कनेक्शन क्रिएट की है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ को जितना मैं स्प्रेड आउट कर सकूँ मैं स्प्रेड आउट करूँ। मैं कुकिंग ज़रा करता हूँ अपने शौक के ज़रिए, और मुझे मज़ा आता है कुकिंग करते हुए। और जब मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि द हाउ द टेस्ट इज़ गोइंग ऑन। एंड जो टेस्ट है बेसिकली, जब आप कुकिंग के अंदर हल्का सा नमक कम हो जाए, नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए या मिर्च कम हो जाए, तो आपकी कहते हैं या खाने के अंदर मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं या खाने के अंदर तो मसाला ही नहीं है, फीका है। और जब आप कहते हैं कि यार परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट मसाला, परफेक्ट कुकिंग, ना ज़्यादा ओवर कुक हुआ, ना अंडर कुक हुआ, बैलेंस कुक हुआ, एंड लिटरली सी लिटरली मैं कहूँ कि वो जो बैलेंस और परफेक्ट जो चीज़ है, मैं कहता हूँ वो लाइफ को आपको सिखा देता है। लाइफ आपको कह देते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर कामयाबी का राज, और बड़े खामोशी से होनी चाहिए। अप एंड डाउन हमेशा मैं मानता हूँ कि आते हैं ज़िंदगी के अंदर, कभी जॉब है जब कभी जॉब नहीं, कभी बिजनेस डाउन है कभी बिजनेस अप है। मैं कहता हूँ कि इंसान इन चीज़ों से सीखे और इनकम स्ट्रीम्स के अंदर एक से नहीं, दो नहीं, तीन से चार से डिफरेंट चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करके रखे ज़रूर, लेकिन एक चीज़ इंसान ये ना बोले कि यार यार ये चीज़ मैं मेरी जॉब छोड़ के, या अब तो बेजार हो गए, अब मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। सॉरी दोस्त, ये आपकी इनिशिएटिव होने चाहिए विदाउट वेस्टिंग ऑन सोशल मीडियाज़ टाइम, वॉचिंग वीडियोज़, वॉचिंग ड्रामाज। बेहतर ये है कि ये जो टाइम है अपने आप से रिकनेक्शन का है, आप अपने आप को रीलर्न करें, रीथिंक करें, रीस्ट्रेटेजाइज करें, री एनर्जाइज करें और री इंजीनियरिंग करें अपने अंदर के, यार मैं बेहतर हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ, अगर आज इस स्टैंड पर पहुँचा मैं अगला स्टैंड क्या होना चाहिए मेरा। और ये इंसान से मैं कहूँगा कि कनेक्टिविटी अपने आप से होनी मस्ट है, और जब ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं, लेवलाइज होती हैं, मैं कहता हूँ कि कामयाबी इंसान आपको मिलना शुरू हो जाती है। कामयाबी या सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, पैसा तो आ जाएगा भाई मेरे दोस्त, करियर भी बन जाएगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट है लाइफ की, जो इज्जत है, वो बनाने में अरसा लग जाता है और सेकंड्स लगते हैं आपकी रिस्पेक्ट जाने में, आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए। स्पैम से, और जितना स्पैम से आप बच सकते हो बचो, अगर आप किसी से दर लाजी कर चुके हो, किसी का दिल दुखा चुके हो, तो दिस इज़ द टाइम आप उससे माजरत कर लो, माफ़ी मांग लो। एंड दिस इज़ ऑल द थिंग्स एंड दिस इज़ ऑल द सराउंडिंग्स, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तौबा कहते हैं कि भाई एक दफ़ा माफ़ कर दो, तौबा मांगते हो तो तौबा मिल जाती है, इंसान को भी माफ़ कर देना चाहिए। मैं कुछ लोगों का नाम इस प्लेटफॉर्म पे लेना चाह रहा हूँ कि यस, कुछ आसिफ मेरा कॉलेज फ्रेंड था, यस आई डू फॉरगिव हिम, क्योंकि कुछ इश्यूज हुए थे, मैं उसको माफ़ करता हूँ। एंड एक दोस्त है सुन रहा हो, अनंत है, और सो आई वुड से कि उसको ज़रूर मैसेज दे देना कि भाई मेरे दिल से अगर कोई माफ़ी है, कोई गलती है तो ज़रूर माफ़ करें। और सेम चीज़ कह लें कि एक और बंदा है, कह लें कि उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उसके मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। एंड बहुत से लोगों से अगर मेरी कोई दिल आजारी हो चुकी है तो आई विड से सॉरी टू देम, एंड दिस इज़ नॉट द बिगिन ऑफ द न्यू लाइफ, इट्स ए रिकनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। एंड मैं कहता हूँ कि इंसान अपने अंदर तरबियत ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, वो खुद से अपनी विलिंगनेस दिखाए तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करे, स्ट्रेटजी करे,
और ज़िंदगी में कामयाब बने, ना कि पैसे की लालच में रहे। हर इंसान का हक है कि वो गाड़ी ले, पैसा बनाए, घर बनाए, फैमिली रहे, बहुत कुछ करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने दिल के अंदर मुतमईन होना मस्त है। जब तक दिल आपका मुतमईन है, आप रिकनेक्टेड हो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक सेशन मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स का फीडबैक ज़रूर मुंतज़िर हूँ, और मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, और जिस मैं कहूँगा, आदिल इज़ नॉट ईजी टू फॉरगिव फॉरगेट पीपल फ्रॉम द पास्ट, हीलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। यस, इट्स ट्रू, लेकिन इंसान के अंदर इतने गट्स होने चाहिए उनको माफ़ करने के। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर दो भाई, आपको कुछ नहीं जाए। आपके फैमिली मेंबर से भी अगर कोई गलती है तो उनको भी माफ़ कर दो, आपको कुछ नहीं जाए। तो दिस इज़ व्हाट आई गिव यू द आंसर टू योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे ज़रूर हाज़िर होऊंगा और न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा, एंड दिस फीडबैक विल इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, एंड मेरी लर्निंग इसके अंदर बहुत कुछ होगी। एंड थैंक यू वेरी मच। साइन इन ऑफ एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।